देखिए, आप सभी का प्यार और समर्थन है। आप देख रहे हैं कि आपने जो हमें प्यार और समर्थन दिया है उसको वो रंग ला रहा है। और यहाँ के प्रधान जी भी काफी अच्छे हैं और काफी नेक दिल हैं, और उन्होंने भी उत्साह दिखाया। और देखिए, हमारे यहाँ टाइल्स का काम देखिए बेहतर तरीके से चलना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ लगभग 1, 2, 3 एंड 4 चार कमरे हैं। 3 कमरों को छोड़ दिया जाए तो आप देख रहे हैं फर्श से पूरी गैलरी है, और इस गर्दी में टाइल्स लग रहे हैं। और यह देखिए हमारा ऑफिस, ऑफिस में भी क्या हो, देखिए ऑफिस में भी क्या हो गया, पूरा हमारा अच्छा टाइल्स, बेहतरीन टाइल्स हमारा लग चुका है। अभी इसकी सफाई की काम होनी बाकी है। और इसके पीछे भी अगर आओ आप देखें तो ये हमारा बगल में जो हमारा जो स्मार्ट क्लास जो था, जो अच्छे अच्छे यहाँ पे लाइब्रेरी रूम भी था यहाँ पे, इसमें देखिए काम हमारा शुरू हो गया है। टाइल्स यहाँ रखा हुआ है, और ये देखिए बॉर्डर वाली टाइल्स भी देखिए काफी खूबसूरत लग रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो टाइल्स वाला काम हमारे यहाँ सुंदर हो गया है और काफी सुंदर लग रहा है इसमें हमारा। अब जब ये साफ सफाई हो जाएगी अच्छे तरीके से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये आपका हो जाएगा, तो अच्छा लग रहा ना है ना। देखिए ये वाली कलर वाली टाइल्स भी अच्छी लग रही है देखिए। और हमको लग रहा है 3 फिट के आसपास हमने क्या किया है, इसको बॉर्डरिंग कर दिए। एक हमारा दिक्कत क्या हुआ है यहाँ पे, बता रहा हूँ कि हमारी जो बॉर्डर थी ना, जो पेंसिल वाली बॉर्डर, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ भी देखिए बॉर्डर, ये टाइल्स का बॉर्डर यहाँ पे लग गया है। टाइल्स वाला बॉर्डर यहाँ पे देखिए लगा हुआ। और यहाँ पे जब आप आगे आएंगे तो आप ये देखेंगे जो ये बॉर्डर थी हमारी पेंसिल वाली, ये पेंसिल वाली बॉर्डर क्या हो गई है, ये थोड़ी सी हट जा रही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ और करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा हमारा अब गैलरी हो गया है। अभी हमारा रूम कह रहा है, जो हमारा जो स्कूल है काफी अस्त व्यस्त है, बालू वगैरह रखा हुआ है यहाँ। देखिए टाइल्स अभी कम पड़ गया है तो काम थोड़ा हमारा रुक गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे स्कूल में क्या हो रहा है कि सुंदरीकरण काम शुरू हो गया है। और आप इधर जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ग्राउंड, ये ग्राउंड में भी क्या हमने प्लान किया, आप देखिए चारों तरफ एक ग्राउंड है, और ग्राउंड में क्या प्लान किया सकता है। हमने ये सोचा है कि ग्राउंड के चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इंटरलॉकिंग करा देंगे। ठीक है, और इंटरलॉकिंग कराने के बाद देखिए हम लोग कुछ फूल वगैरह पहले से लगा रखे हैं, इसको भी क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा फुलवारी हम लोग क्या कर देंगे, सजा देंगे। तो आप लोग थोड़ा प्लान बताइए, अगर ग्राउंड पहले देख लीजिए आप, ग्राउंड को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। तो हमारा जो प्लान है वो चारों तरफ इंटरलॉकिंग है। ठीक है, चारों तरफ इंटरलॉकिंग के बाद बीच में हम लोग कुछ जगह छोड़ देंगे बच्चों के खेलने वगैरह के लिए, और इसके साथ ही क्या हो जाएगी, इसमें की फुलवारी कर दी जाएगी। और जो गेट से क्या करेंगे हम लोग, कुछ इंटरलॉकिंग क्या करेंगे वहाँ से, हम लोग वहाँ से जो गेट दिख रहा है उस गेट से क्या करेंगे, एक इंटरलॉकिंग का रास्ता हम लोग स्कूल की तरफ क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। तो ये बेहतर तरीका है, अच्छा लग रहा है। देखिए ये टाइल्स हमारा अच्छा लग रहा है, और हमारा स्कूल हमारे लिए चमक तो रहा ही था, ऑनलाइन तो चमक रहा था, अब धरातल में भी क्या हो जाएगा, हमारा स्कूल चमकेगा। और इस सबके जो जो हम क्या कहेंगे, जो श्रेय जाता है वो आप सभी को जाता है और यहाँ के प्रधान जी को जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।